गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज अ संडे मॉर्निंग। क्या क्या आप अभी 10:45 बज रहे हैं। तो कल एक्चुअली मेरी कज़न्स आई थी कुछ एक चीज़ का मिठाई देने, ठीक, कोई एक सेलिब्रेशन का मिठाई देने। एंड फिर वो लोग को, मतलब मेरे यहाँ के पास में भी मेरे छोटे मामा का भी घर है, तो वहाँ पे भी गए, बात बात करके ना वो लोग को लेट हो गया और बस का वेट कर रहे थे। और मतलब वट एवर इट इज़, वो लोग को बस नहीं मिला, तो दे फाइनली केम बैक टू आर हाउस एंड वी लव्ड इट बिकॉज वी वॉन्टेड इट। तो छोटे मामा के भी बच्चों दोनों को, लाइक बहन है भाई को, हम लोग लेके आ गए। और कल रात को बहुत सारे रात के 2 बजे हम लोग ही करते करते सोए हैं। एनीवे, अभी वो लोग चले गए। मैं कल ब्लॉग करती होती तो सुबह उन लोग के साथ में ब्लॉग में ले लेती, बट अभी नहीं लिया इसलिए। तो आज मेरा कमरे का हालत पूरा मैसी है। ऑफकोर्स यू विल नो, गेस्ट जब आते, गेस्ट तो वैसे है नहीं, वो लोग गेस्ट काय का गेस्ट, दे आर लाइक माई ओन घर का मुर्गी। एनीवे, तो मेरा कमरा पूरा एकदम मैसी है, तो आई थॉट क्यों ना थोड़ी क्लीनिंग कर ली जाए। किचन मैसी है और टुडे आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली क्या आज ही टाइम है, और तो टाइम होता नहीं है, संडे आज। तो आज हम लोग जा रहे हैं डिश वॉशर लेने फाइनली, बिकॉज बुरे हाल हो रहे थे। बुरे हाल इन द सेंस, सर्दियों में एक तो है, और दूसरा ना हम तीनों बिजी है, घर में तीनों ही बिजी है। अब तीनों में मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ये सब चीज़ों का। मैं बहुत कभी कभी बहुत सुबह निकल जाती हूँ, कभी कभी रहती हूँ तो मैं कर देती हूँ, पर वो रेगुलर नहीं है ना, इट्स नॉट अ रेगुलर सपोर्ट। और हाउस हेल्प हमने रख के देख लिया है, दे आर ऑफ नो यूज़। अगर बर्तन साफ़ नहीं हो रहे तो बर्तन साफ़ करने के लिए इंसान रख के क्या फ़ायदा, चाहे कितना भी अच्छा बिहेवियर हो, जो भी हो, हम लोग करें काम, वो लोग अपने हिसाब से करते हैं, तो बेस्ट है भाई मशीन पे भरोसा करो, एटलीस्ट पता है कि इस लेवल का क्लीनिंग मिलेगा। एनीवे, बैंकिंग ऑल दैट थिंग, सो टुडे यू विल सी अ क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग मोटिवेशन ब्लॉग। एनीवे, और आज मैं थोड़ा लंबा ब्लॉग करूँगी, क्योंकि आज ना मैं मतलब नॉर्मली फास्ट फॉरवर्ड करके करती हूँ, बट आई फील मुझे क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग ये सब वीडियोस देखना पसंद है, तो शायद दूसरे लोगों को भी पसंद आए, तो मैं ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके करूँगी। एनीवे, कमरा एक बार मैं आपको दिखा दूँ एंड फिर लेट्स गेट टू क्लीनिंग। एक्स्ट्रा पिलोज, यहाँ पे सारा मेस, यहाँ पे मेरा बेड था, यहाँ पे एक बेड, यहाँ पे एक बेड, ये सब मेस। गद्दा देख रहे हो ना, ये एक्चुअली हमारे सोफे का गद्दा है। सोफे का गद्दा एक्चुअली बेड में थोड़ा मतलब कम पड़ रहा था, एक बड़ा सा गद्दा है, बट वो पहले इधर हुआ करता था, इधर,
बट वो यहाँ पे चेंजेस हुआ जब से फर्नीचर में, तब से वो जाके मम्मी पापा के बेड के नीचे जो स्पेस है स्टोरेज, वहाँ पे चला गया है। एंड दैट्स व्हाई मेरे पास एक्स्ट्रा गद्दा तुरंत निकालने को नहीं था, तो मैंने सोफे का गद्दा उठा लिया। तो फटाफट सोफा जाके ठीक करते हैं। पूरा ही मैस है, बट मेरा कमरा, मुझे पता है सबसे ज़्यादा कि कौन चीज़ें कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले मैं वो करूँगी, उसके बाद बाकी का लिविंग रूम करूँगी, क्योंकि मम्मी अपने रूम में, बेडरूम में, मेरे पापा के बेडरूम में सो रहे हैं, तो वो रूम में भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वो रूम में ज़्यादा ऐसे समेटने वाला चीज़ें भी नहीं है। सबसे पहले मैं अपना बेड चीज़ें सेट करूँगी, अपना कमरा, एंड देन लिविंग। स्टे हाइड्रेटेड, काम करो बट पानी पीते रहो। मेरा नहाना खाना सारे काम तो नहीं बोलूँगी, मुझे एक्चुअली करना था मेरा फेस शेव, बट नहीं हो पाया क्योंकि कपड़े धोते धोते मैं इतनी थकी, इतने ज़्यादा कपड़े थे कि नहीं हो पाया। एनीवे अभी मैं फटाफट से खाना खाने के बाद कपड़े पहन ली हूँ। एंड आज इतने कपड़े हैं देखो, इधर में मुझे खिड़की में भी डालने पड़े हैं, जो मुझे खुद करना पसंद नहीं है, बट या क्या करें, घर के अंदर अभी कपड़े डालने होते नहीं, तो जो मैं नहीं और भी नहीं करना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू एयर ड्राई देम। एंड फटाफट से करते हैं स्किन केयर, क्योंकि बाहर काफ़ी लोग ना मुझे पूछते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा स्किन को पूछते हैं, बट शायद ये काफ़ी लोगों को कंसर्न होगा, अरे सर्दियों में तो धूप इतनी तेज़ नहीं होती, सर्दियों में सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। नॉर्मली देखो, सूरज की रोशनी हमारे लिए
नुकसानदायक तो नहीं है, यूजफुल ही है, बट आजकल ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर का वो बीच बीच में से होल्स हो जाना, ये सब कुछ के कारण यूवी रेज बहुत ज़्यादा आता है। तो गर्मी हो सर्दी हो, यूवी रेज हर टाइम मतलब नुकसान करेगा आपका। सो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट एंड दिस इज़ माई फेवरेट सनस्क्रीन। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो तो आपको पता है इसका, मैंने मम्मी को भी आदत लगवा दिया है, एक और इंसान को भी आदत लगवा दिया है, और ये मेरा ख़त्म होने को है। मोस्टली नेक्स्ट मंथ मुझे परचेज करना पड़ेगा, मैं कर नहीं रही हूँ बिकॉज कुछ सड़े से सनस्क्रीन है मेरे पास जो मुझे लगता है कि यार एक्सपायर होने से पहले ख़त्म कर दूँ, क्योंकि वो ऑयली है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। सनस्क्रीन का काम अच्छा करता है, लाइक प्रोटेक्शन अच्छा होता है सन से, बट वो ऑयली बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आई प्रेफर कि वो ना यूज़ करूँ। बट अभी सर्दियाँ है आने, ऑलमोस्ट आ गई है, मतलब अभी इट्स लाइक ऑटम ही चला गया, अभी सर्दी है, नवंबर एंड है भाई, आज आज कितने तारीख मुझे याद नहीं है डेट, बट ए भाई चुप हो जा प्लीज़, कुकर चुप हो जा, दिस थिंग वेयर दिस बिफोर यू वेयर योर ज्वेलरी, नहीं तो बर्बाद होगी। मेरा दो काम रह गया, एक मेरा फेशियल हेयर का वो सब कुछ, दूसरा मेरे ब्रश जो कल गंदे हुए थे वो मुझे धोने हैं, क्योंकि मेरी बहनों ने मेरी फीस को कैनवस बना के बहुत कुछ किया था, ड्रॉ पेंट फेस पेंट लेके। ओके मैं आपको सीधा मिलती हूँ शॉप पे। मैं आ गई हूँ घर वापस, शाम हो गया है, एंड क्यों आ गई हूँ, बिकॉज हमें जो मॉडल पसंद आया था एंड वी आर थिंकिंग कि एक वॉशिंग मशीन भी साथ में ले ले, बिकॉज प्राइस में, क्योंकि EMI पे ले रहे हैं तो इट्स मैनेजेबल। तो जो मशीन, जो मॉडल डिशवॉशर का हम लेना चाहते हैं वो अभी स्टॉक में नहीं है, और वो हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा, इसलिए तो उन्होंने कहा कि मैम आपको थोड़ा वेट करना होगा, तो विल गो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एंड द थिंग इज़ मैं गीले बालों में गई थी, मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम गीले ही थे, बाहर के थोड़े सूखे थे, मुझे अच्छा खासा ज़ुकाम लग गया, आते ही मैं खास रही हूँ, छींक रही हूँ, बुरे हाल हो गए। एनीवे अभी शाम को कुछ नाश्ता करेंगे, बहुत दिनों बाद घर में आया है जैम, कोशिश करते ये चीज़ें ना लूँ बिकॉज चीनी भरा पड़ा होता है, और नॉर्मल एक चम्मच चीनी लेना इज़ स्टिल बेटर देन टेकिंग ऑल दिस थिंग्स, कि इसमें हद से ज़्यादा चीनी होता है। तो या थोड़ा सा जैम और रोटी खाएंगे। हेलो हाउ आर, अगर आप लोगों ने खिचड़ी देखा है सीरियल बचपन में तो यू विल रिलेट व्हाट आई एम सेइंग, बट यू कैन हियर द नेजल वॉइस। मुझे अच्छा खासा, एक्चुअली कल रात से आई वाज फीलिंग कि नहीं गड़बड़े, बिकॉज मेरा गला ना इट वाज लाइक जलने का, जैसे एसिडिटी होने से जैसे जलता है ना वैसा फील हो रहा था, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मैंने थोड़ा शाम को उल्टा पुल्टा खा लिया था बाहर का नूडल्स वगैरह, तो पर वो दुकान से कभी नहीं होता, मैंने वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो मेरा लाइक हर जगह का तेल मुझे सूट नहीं होता, बट वो दुकान का इस घर जैसा चीज़ करते वो लोग। तो आई वाज लाइक कि शायद हुआ होगा, कोई नहीं मैं पानी ज़्यादा पी लूँगी, एंड बाय द टाइम कल सुबह उठती हूँ, मतलब आज सुबह उठने का, तो आई विल फील बेटर। सुबह उठ के देख रही हूँ, नो एंड सुबह ना गले में ऐसे कांटे जैसा चुभने लगा था, जैसे आप अगर मैं अगर बात कर रही हूँ, मेरी आवाज़ तो अभी तो बेहतर आ रही है, सुबह ऐसे खश खश होकर आ रही थी, एंड ऐसे कांटे चुभ रहे थे, जैसे कोई कांटे का वो टायर पंक्चर करने के लिए रास्ते पे बिछाते हैं ना, वैसे चीज़ जैसे मेरे गले में लगा था, ऐसा फील हो रहा था। एंड आई वाज लाइक गॉड, ये मतलब ये तो अभी सीरियस हो गया। तो सुबह मैंने एक कोर्स ऑफ दवाई लिया, जैसे होम्योपैथी का मतलब डोजेज सिस्टम थोड़ा अलग है एलोपैथी से, इट्स नॉट लाइक कि जस्ट पॉप ऑफ वन टैबलेट और हो गया, नहीं मतलब सुबह शाम ले लिया, 3 दिन 5 दिन का कोर्स ले लिया, नो ऐसा नहीं है। एंड मैंने सुबह का कोर्स किया, आई वॉज फीलिंग मच बेटर, मेरा आवाज़ नॉर्मल हो गया था, नॉर्मल इन द सेंस नेजल वॉइस था, बट वो मुझे गले में लग नहीं रहा था, अभी भी नहीं लग रहा है, टच वुड ऑन दैट। बट द थिंग इज़ शाम को जब मैं दोपहर को, एक तो मैं दोपहर को नहाई, एक घंटे से मैं कपड़े धो रही थी, इसीलिए वॉशिंग मशीन की बहुत ज़रूरत है, इतने कपड़े थे, अभी भी मेरे पास कपड़े बचे हैं, जो बेडशीट्स वगैरह है वो मैंने नहीं धोए, बिकॉज हमारे पास सुखाने के लिए जगह नहीं है, बालकनी पूरा भर चुका है मेरा, ये खिड़की मैं करती नहीं हूँ क्योंकि ये रोड साइड ना फेस नहीं करता, और ये ना
वेस्ट है तो यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है ऑल अराउंड द ईयर। गर्मियों में तेज़ होती है, लाइक ज़्यादा गर्म होता है, सर्दियों में थोड़ी ठंडी धूप होती है, बट फिर भी धूप आती है एंड कपड़े बहुत अच्छे से फ्रेश लगते हैं सूखने के बाद। तो मैं यहाँ पे दे दी और इतना ज़्यादा कपड़ा था, मैं ऑलमोस्ट एक घंटे से कपड़े धो रही थी। एनीवे वो हो गया, फिर मैं आज बाल धो के नहाई हूँ क्योंकि संडे है, संडे को मैं शैम्पू करती हूँ चाहे तेल लगाओ ना लगाओ, वो किया। उसके बाद खाना खाते तुरंत बिना रेस्ट वेस्ट किए, बाल सुखाए बिना मैं निकल के बाल खोल के ऐसे कि बाल रास्ते में सूख जाएंगे। तब तो ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे थे और हमारे यहाँ 3:30 बजे धूप एकदम ठंडी हो जाती है अभी सर्दियों के टाइम पे, तो ठंडी ठंडी हवा, गीले गीले बाल, अच्छा तो बहुत लग रहा था। घर आते ही फैच 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 आई स्नीज्ड अ लॉट एंड उसके बाद से आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ आई कांट से रनिंग नोज बट ऐसे ये चीज़ हो रहा है मेरे साथ। फिर से मैंने एक और राउंड ऑफ कोर्स, एक्चुअली होम्योपैथी का ये सिस्टम सुबह शाम आपको खाना पड़ेगा, मम्मी का कुछ डोजेट सिस्टम है, ये एक स्टैंडर्डाइज मतलब हर डॉक्टर ये नहीं देगा। होम्योपैथी का एक चीज़ भी है कि हर डॉक्टर का अपना तरीका होता है, तो शी इज़ लाइक ये दवाई मैं बचपन से खाती हुई आई हूँ, इट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी। और वो किया अभी, आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप, आई फील सो टायर्ड दोपहर से, आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप। बट अभी टाइम क्या हुआ पता है, अभी 8:20 भी नहीं हुआ है। आई इज़ लाइक कि मैं क्या करूँ, थकान लग रहा है, जुकाम की वजह से थोड़ा और चिड़चिड़ा सा लग रहा है, कल मुझे मेरा बहुत लाइक कल काम है पूरा पूरा दिन एंड क्या बोल रही थी मैं, हाँ, और मुझे अभी नींद भी नहीं आई, मुझे थोड़ा कम से कम 10-11 बजे तक जगना है, उसके बाद मैं शायद सो जाऊँगी। आई डोंट नो वॉट टू डू दिस 3 hours ऑलमोस्ट, मुझे कोई फिल्म देखने का भी अभी मन नहीं हो रहा है। राइट नाउ आई एम वॉचिंग यूट्यूब व्लॉग्स वगैरह देख रही हूँ कि थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा मे बी, बट आई एम नॉट फीलिंग गुड। मैंने अभी खाना भी खाया कि थोड़ा अच्छा लगा, नथिंग इज़ हेल्पिंग। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा स्टीम ले लूँ, पर स्टीम लेने से पहले मैं मुँह धो लूँगी, मुँह पे ऐसे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, सनस्क्रीन है, पर मैं मुँह धो लूँगी तो मेरा फेस भी अच्छे से पोर्स को अंदर अंदर स्टीम जाएगा। एनीवे ये मेरा थोड़ा बेबी वॉइस कभी कभी करती हूँ हरकतें, नौटंकी, तो मेरा फेस एक्चुअली थोड़ा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आई एम थिंकिंग, क्योंकि नाक मेरा बहुत एकदम बंद नहीं है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, अभी सीजन चेंज में सबको हो रहा है गेस। आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे घर वालों को ना हो बेकार में, वो लोग परेशान हो जाएंगे। वेल आई चेंज माई माइंड एंड मैंने कोई स्टीम वीम नहीं लिया, बिकॉज वो गर्मी भी लग रहा है, मेरा बुरा हाल है। एनीवे आई थॉट कि दिमाग को अलग जगह पे थोड़ा लगाओ, तो आई थिंक जितना ज़्यादा आप ध्यान दोगे ना, कोई तकलीफ हो रहा है, आई नो जुकाम है वो रहेगा, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में, बट अगर आप जितना सोचोगे ना वो उतना आपको तकलीफ फील कराएगा। सो दैट्स वाई मेरा दिमाग में एक काम का, एक्चुअली काम की चीज़ है, मे बी आई वाज गोना मेक इट टुमारो, बट फिर मैंने सोचा संडे को नॉर्मली मैं काम नहीं करती हूँ अनटिल अनलेस इट इज़ नेसेसरी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो डिज़ाइन किया जाए। सो आई एम सिटिंग फॉर डिज़ाइनिंग, क्या है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि इसके पिछले वाले सारे ब्लॉग्स आई थिंक आई विल डिस्कार्ड, क्योंकि मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है कि मैं अभी 2 हफ्ते का फुटेज शॉर्ट करूं। और कल से मैं एक स्ट्रिक्ट जर्नी पे जा रही हूँ, जर्नी इन द सेंस टू चेंज समथिंग अबाउट माय लाइफ, टू मेक माय लाइफ बेटर, हेल्थ बेटर। मैं अभी कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती बिकॉज मे बी मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू डू इट and I want to just record my life, trying to do as much as I can for me, not for anyone else in the world, for me. I'm not being selfish, it's just that कि मैं अब तक खुद के लिए literally बहुत ज़्यादा नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ मेरे आस पास के लोग अच्छे रहे and that's it, I'm happy with that. But अभी खुद के लिए थोड़ा सोचूँगी, खुद पर काम करूँगी, खुद के हेल्थ पे फोकस, करियर पे, बहुत चीज़ों पे, जैसे वो आपको उस वीडियोस में पता लग जाएगा। आई अपलोड शॉर्ट्स एंड आई एम स्टार्टिंग दैट फ्रॉम टुमारो एंड फॉर दैट आई नीड टू डिज़ाइन दिस थिंग, दिस इज़ बेसिकली अ प्लानर यू कैन से, तो उसका फ़िलहाल मैं शीट्स निकाल लूँगी एवरी डे का कि आज के दिन में मेरा क्या क्या है, ये डे के लिए ये शीट्स वगैरह, तो वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने देखा डायरी में लिख के फ़ायदा नहीं होता, वो मोटिवेशन नहीं आता, तो थोड़ा बहुत खर्चे करते हैं एंड वो चीज़ का प्रिंट आउट निकाल लूँगी मैं। और क्या चीज़ है,
या उसको डिज़ाइन करते हैं एंड फिर मैं सो जाऊँगी बिकॉज मैंने खाना तो खा लिया, तो फिर मैं सो जाऊँगी एंड या आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लानर अभी मैं नहीं दिखाऊँगी, अगर मैं प्लीज़ एक महीना उसको फॉलो कर पाई ढंग से तो देन आई विल शो यू, ठीक है? तो बाय बाय फॉर दिस ब्लॉग, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग इन अ बेटर वे, बेटर हेल्थ सब कुछ। तो या